नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे प्रणब मुखर्जी साहब के बारे में। याद रखिए, अभी तक हम लोग आपके सभी राष्ट्रपतियों के बारे में जान चुके हैं, पर चाहे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लगाकर आपकी जो लास्ट पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल साहब, याद रखिए प्रतिभा पाटिल साहब सुखोई विमान उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो उनके बारे में अभी उन तक जान चुके हैं। और आपके प्रधानमंत्रियों की बात करें तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगाकर और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, इनके बारे में भी हम लोग बड़े विस्तार के साथ बात कर चुके हैं। इनके जीवन के बारे में एक तरह से इनकी बायोग्राफी कह लीजिए, फिर चाहे इनका जीवन परिचय कह लीजिए, जो भी आपको सूटेबल लगे। और याद रखिए, जो भी आपके व्यक्ति चर्चा में रहते हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करते रहते हैं विस्तार से। तो जो बायोग्राफी की प्लेलिस्ट सूची है उसी में डली हुई है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये हमारे 13वें राष्ट्रपति थे व्यक्ति के रूप में प्रणब मुखर्जी, जिन्हें साल 2019 में 70वें गणतंत्र दिवस पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति जो श्री रामनाथ कोविंद साहब के, याद रखिए श्री रामनाथ कोविंद साहब के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं बहुत अच्छे से। इन्होंने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसे भारत रत्न कहते हैं हम लोग, भारत रत्न दिया है किन्हें, प्रणब मुखर्जी साहब को। 2019 में भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका आपके प्रसिद्ध गायक थे, और तीसरे व्यक्ति थे नानाजी देशमुख। ये नानाजी देशमुख भारत के वरिष्ठ और प्रसिद्ध समाजसेवी थे, इन्हें भी दिया गया था 2019 में। ठीक है, अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान इन्होंने, यानी कि प्रणब मुखर्जी साहब ने, आज हम लोग इन्हीं के बारे में केवल जानेंगे, उसके बाद टाइम मिलेगा तो उनके बारे में नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका के बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे। इन्होंने अपने जो जीवन, इनका कार्यकाल रहा है राष्ट्रपति के रूप में, कई अहम फैसले किए हैं इन्होंने और उन्हीं के कारण ये प्रसिद्ध भी रहे हैं। देखिए हैं आपके प्रणब मुखर्जी साहब, ये पिक्चर आपके प्रणब मुखर्जी साहब की है, राष्ट्रपति साहब की, पूर्व राष्ट्रपति। तो इनके अगर एक सामान्य परिचय की बात करें, जीवन परिचय की, तो इनका पूरा नाम है प्रणव कुमार मुखर्जी, इनका अन्य नाम है पोल्टू और प्रणव दा। ये भारतीय पेशा इनका भारतीय राजनीतिक रहे, भारतीय राजनीति से जुड़े हुए हैं। और इनकी पार्टी की अगर बात करें, राजनीतिक पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और कांग्रेस पार्टी ने इन्हें राष्ट्रपति बनाया था। याद रखिए दो संगठन है हमारे, एक राष्ट्रपति, एक आपकी NDA जिसमें बीजेपी और बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उन्हें शामिल किया जाता है, और एक UPA जिसमें मुख्य पार्टी है कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल होते हैं उसे UPA कह देते हैं। तो ये सब UPA की तरफ से बनाए गए थे राष्ट्रपति। और जो आपके रामनाथ साहब हैं, ये याद रखिए आपके NDA की तरफ से बनाए गए हुए हैं। इनके जन्म की अगर बात करें प्रणब मुखर्जी, तो 11 दिसंबर 1935 को इनका जन्म हुआ था। कब? 11 दिसंबर 1935 को। जन्म स्थान की बात करें तो मेराती ब्रिटिश बंगाल, ब्रिटिश भारत में हुआ था। जब आप समझिए कि जब इनका जन्म हुआ था तब बंगाल और पूरा भारत अंग्रेजों के कब्जे में था। इनकी उम्र 83 जो भी, इसे छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसलिए कि अभी वर्तमान में अलग है और आगे आप जब देख रहे होंगे उस समय जोड़ते रहिए। राष्ट्रीयता की बात करें तो ये भारतीय थे और ग्रहण इनका मेराती पश्चिम बंगाल में था। धर्म इनका हिंदू था और जाति इनकी ब्राह्मण, बंगाली कुलीन ब्राह्मण है। वैवाहिक स्थिति, विवाह इन्होंने किया है, नरेंद्र मोदी साहब ने विवाह किया हुआ है, तो उन्हें भी अविवाहित मत समझिए। नेटवर्थ की बात करें तो 3 करोड़ भारतीय रुपये इनकी जो आय की बात करी आए। पसंद पढ़ना, गाइडिंग करना और गाने गाना और सुनना। पसंदीदा राजनीतिक की बात करें तो डेंग क्रस ओपिंग। राशि की बात करें धनु राशि, और कद की बात करें तो 5 फुट 4 इंच, वजन 70 किलोग्राम, आंखों का रंग काला और बालों का रंग काला, यानी कि पूरा इतिहास इनका बताया जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग। अब बात करते हैं पारिवारिक पृष्ठभूमि इनकी। प्रणब मुखर्जी एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्मे और पले बड़े। इनका परिवार पश्चिम बंगाल में मेराती गांव में रहने वाला है। इनके पिता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे, जिसके कारण वे उस दौरान कई बार जेल में गए इनके पिताजी।
आज़ादी के बाद सन 1952 से 1964 तक वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के सदस्य भी थे। विधान परिषद वही है, याद रखिए, आपका केंद्र में आप देखते हैं राज्यसभा, लोकसभा, और कई राज्यों में आप देखते हैं कि विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य भी थे, साथ ही AICC के सदस्य भी थे। उनकी माता एक हाउसवाइफ के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थी। शिक्षा की बात करें हम लोग, एजुकेशन, तो प्रणव मुखर्जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल से पूरी की। इसके बाद वे कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए वे कोलकाता, यानी कि जिसे आप लोग कोलकाता कहते हैं आज, कलकत्ता गए। वहाँ उन्होंने सूरी बीरभूम में सूर्या विद्यासागर कॉलेज में हिस्सा लिया। उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में शामिल हो गए। वहाँ से उन्होंने LLB यानी कि कानून की डिग्री हासिल की। इसके बाद प्रणव जी ने राजनीतिक विज्ञान और इतिहास में MA भी किया। समझ रहे हैं, यानी कि सभी हासिल की इन्होंने, इतिहास भी जाना, कानून भी जाना, राजनीति भी जानी। तो एक पढ़े लिखे आपके राष्ट्रपति थे। इनकी व्यक्तिगत जानकारी की बात करें तो प्रणव मुखर्जी ने 13 जुलाई 1957 को सुब्रा मुखर्जी से शादी की। सुब्रा मुखर्जी का जन्म बांग्लादेश की नारियल में हुआ। वहीं उनकी शुरुआती जीवन भी व्यतीत हुआ था। वे 10 साल की उम्र में कोलकाता चली गई और सन 1957 में प्रणव मुखर्जी से शादी कर ली इन्होंने। इनके 2 बेटे और 1 बेटी भी हुए, यानी कि प्रणव मुखर्जी साहब का 2 बेटे थे 1 बेटी। 74 साल की उम्र में सुब्रा साहब का देहांत हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। मुखर्जी के बड़े बेटे ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया और वे पश्चिम बंगाल के राज्य के जंगीपुर से कांग्रेस के सांसद बन गए। उनके पिता यानी प्रणव मुखर्जी दोबारा अपनी सीट खाली करने के बाद उपचुनाव की में अभिनेत को इस पद के लिए चुना गया था। लोकसभा के चुनाव से पहले अभिजीत बीरभूम के नलहाटी से विधायक थे। मुखर्जी की अगर बेटी की बात करें शर्मिष्ठा की, तो कथक डांसर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक भी है, यानी कि उसी से जुड़े हुए हैं। जब पिता भी जुड़े रहते हैं तो आप देखते हैं बेटे बेटियां जो भी होती हैं वो भी लगभग उन्हीं से जुड़ जाते हैं। इनके पिता की बात करें तो पिता का नाम था कमादा किंकर मुखर्जी। माता के नाम की बात करें तो राजलक्ष्मी मुखर्जी इनके माता का नाम। बहन का नाम अन्नपूर्णा बनर्जी और अन्ना ना पूर्णा इनकी 2 बहनों का नाम हो गया। अगर पत्नी का नाम हम लोगों ने बात ही कर ली है, स्वर्गीय श्रीमती सुब्रा मुखर्जी, क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी। बेटी का नाम शर्मिष्ठा और बेटे का नाम अभिजीत बनर्जी और इंद्रजीत मुखर्जी साहब, ठीक है। प्रणव मुखर्जी के अगर करियर की शुरुआत की हम बात करें तो मुखर्जी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कलकत्ता में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल पोस्ट एंड टेलीग्राफ के कार्यालय में एक उच्च स्तरीय क्लर्क के रूप में काम भी किया। इसके बाद सन 1963 में वे विद्यानगर कॉलेज में एक लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर थे। वे वहाँ राजनीतिक विज्ञान पढ़ाया करते थे। फिर बाद में वे एक पत्रकार के रूप में देश भर में डाक के साथ भी काम किया था इन्होंने। मुखर्जी 4 दिन की पूजा में भाग लेने के लिए हर साल मराती गांव में अपने पितृ घर जाते थे। 4 अक्टूबर 2011 को एक पूजा के दौरान उन्होंने कहा था वे इस अवसर पर का लाभ अपने क्षेत्रों के लोगों के साथ उठाना चाहते हैं। याद रखिए, आपका जो भी जुड़ा रहता है, कई लोग इस तरह से अपने जीवन में जोड़ लेते हैं किसी घटना को, उसे ज़िंदगी भर जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक मानते रहते हैं। अभी भी आपके अमिताभ बच्चन के बारे में कहा जाता है ऐसा। देखिए, अब आप लोगों को क्लियर तो हम लोगों को पता नहीं, लेकिन जो सुनते हैं वही बता रहा हूँ कि अभी भी वो जहाँ उन्होंने स्ट्रगल किया था, उस समय जो भी सस्ता खाना मिलता था वहाँ खाने जाते थे, तो वहाँ भी अभी भी जाते रहते हैं। अगर इनके राजनीतिक करियर की हम लोग बात करें, पॉलिटिकल करियर, तो मुखर्जी ने सन 1969 में राजनीति में कदम भी रखा। उस समय उन्होंने मेदिनापुर उपचुनाव अभियान में हिस्सा भी लिया। उस समय भारत की प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी जी। कौन? इंदिरा गांधी जी। उनकी प्रतीक्षा को पहचाना, प्रतिभा को, और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल भी किया।
तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी भी शामिल कर ली। मुखर्जी ने राजनीति में अपने शुरुआती वर्षों के दौरान इसके बारे में उल्लेख भी किया है। साथ ही उन्होंने एक राजनीतिज्ञ के रूप में उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। मुखर्जी ने सन 1969 में ही राज्यसभा सदस्य बने। याद रखिए, जो राज्यसभा सदस्य होते हैं ये आपके जो MLA होते हैं, विधायक होते हैं, इन्हीं के द्वारा चुना जाता है। इसके बाद धीरे धीरे इंदिरा गांधी जी के मंत्रिमंडल में रैंक में ऊपर उठने लगे। सन 1975, 1981, 1993 और फिर उसके बाद 1999 में फिर से उन्हें सदन के लिए चुना गया, इसी सदन के लिए। सन 1979 में वे राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता भी बने और सन 1980 में सदन के नेता के नियुक्त नेता भी बने। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान मुखर्जी ने सन 1982 से 1984 तक वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। यानी कि इंदिरा गांधी जब आपकी प्रधानमंत्री थी तो उस समय इन्होंने 1982 से 1984 तक वित्त मंत्री के रूप में भी रहे। सन 1984 में इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हो गई तो उसके बाद वे पार्टी कांग्रेस पार्टी से बाहर हो गए। उस दौरान प्रधानमंत्री पद की कमान जो राजीव गांधी साहब के ने संभाली हुई थी। सन 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या भी हो जाती है। उस समय पी वी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। देखिए, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद आपके PV नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने। इन्हीं के कार्यकाल में प्रणब मुखर्जी दोबारा कांग्रेस में आ जाते हैं। राव जी ने प्रणब मुखर्जी को सन 1991 में भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। याद रखिए, 2014 से यानी कि 2015 में आपका नीति आयोग आ चुका है इसकी जगह पर, तो अब योजना आयोग को बंद कर दिया गया है और योजना आयोग की को प्रतिस्थापित करके ही आपका नीति आयोग आया है। 1 जनवरी 2015 को आपका नीति आयोग आया है। उसके बाद भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी बने। इस तरह से नरसिम्हा राव जी ने प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक करियर को फिर से जीवित कर दिया। नरसिम्हा राव जी ने मुखर्जी को अपने कार्यकाल के दौरान अपने मंत्रिमंडल में भी शामिल किया। उन्हें विदेश मंत्री का कार्यभार दिया गया। क्या? विदेश मंत्री। मुखर्जी इस पद पर सन 1995 से 96 तक कार्यरत रहे। उसके बाद मुखर्जी ने सन 2004 से सन 2012 तक संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा के नेता के रूप में कार्य किया। इसलिए उनके पास कई वर्षों का कूटनीतिक अनुभव भी था। मुखर्जी सन 1980 के दशक से सन 2012 तक IMF, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में भी शामिल होते रहे। इसके अलावा मुखर्जी साहब ने 1982, 1983, 1984 में जो कॉमनवेल्थ वित्त मंत्रियों के सम्मेलन हुआ उसमें भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व भी किया है इन्होंने। 1982 में, 1983 और 1984 में। अगर इनके लिए सरकारी कार्यालय की हम लोग बात करें तो मुखर्जी कई प्रमुख पदों पर भी काम करते रहे हैं। जैसे आप ले सकते हैं इसमें रक्षा मंत्री के रूप में, तो सन 2004 में कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आई। उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके कार्यकाल में मुखर्जी ने रक्षा मंत्री का कार्यभार भी संभाला। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया। अगर विदेश मंत्री के रूप में इनके काम की बात करें, सन 2006 में मुखर्जी पुनः भारत के विदेश मंत्री बने और पहली बार वे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल के दौरान विदेश मंत्री बने थे। दूसरी बार विदेश मंत्री के कार्यकाल के दौरान प्रणव जी साहब ने अमेरिकी सरकार के साथ आसैनिक परमाणु समझौते पर सफल रूप से हस्ताक्षर भी किए। साथ ही साथ आसैन्य परमाणु व्यापार में भाग लेने के लिए परमाणु सप्लायर्स समूह के साथ भी हस्ताक्षर किए। उनके द्वारा किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था ये विदेश मंत्री के रूप में। उसके बाद वाणिज्य मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। मुखर्जी ने 3 बार भारत के वाणिज्य मंत्री के रूप में भी काम किया। जब इंदिरा गांधी जी ने सत्ता संभाली थी उस समय भी इस पद के लिए पहला कार्यकाल सन 1980 से 1982 तक रहा। फिर आपका 1984 में फिर से वे वाणिज्य मंत्री बने यानी कि वित्त मंत्री बने। उसके बाद सन 1990 के दशक में मुखर्जी ने 3री बार इस पद पर काम किया यानी कि 3 बार वित्त मंत्री बनाए गए उन्हें, वाणिज्य मंत्री। फिर आपके वित्त मंत्री सॉरी वाणिज्य मंत्री की बात करें,
वित्त मंत्री के रूप में अगर हम बात करें तो सन 2009 में प्रणब मुखर्जी भारत के दोबारा वित्त मंत्री नियुक्त किए गए। इस पद पर उन्होंने 2012 तक कार्य किया। इससे पहले सन 1980 के दशक की शुरुआत में भी वित्त मंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारक होने का श्रेय भी दिया था, क्योंकि आपने देखा है 1980 में ही आपकी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उससे पहले 1969 में आपकी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने सन 2009, 2010 और सन 2011 में वार्षिक बजट प्रस्तुत भी किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन सहित कई सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए भी धन का विस्तार भी किया था। अन्य पदों की अगर बात करें हम लोग तो मुखर्जी साहब कोलकाता में भारतीय स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष भी थे और वे रविंद्र भारतीय विश्वविद्यालय और निखिल भारत बंगा साहित्य सम्मेलन में के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। अध्यक्ष होने के साथ साथ बंगीय साहित्य परिषद और विधान मेमोरियल ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी भी रहे हैं। उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी के प्लानिंग और बोर्ड में भी काम किया। इस तरह से मुखर्जी जी कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी कई सारे पद के लिए कार्य कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम संभाला 2012 से 2017 तक। अगर इनके हम लोग भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनके कार्यकाल की बात करें तो मुखर्जी को सन 2012 में यूपीए सरकार द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के पद में नामित किया गया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए मुखर्जी ने सरकारी कार्य से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो उससे पहले सरकारी पद छोड़ना होगा। उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भी पीए संगमा को हराते हुए, यानी कि इनके विरोधी थे पीए संगमा, इन्हें से आसानी से हरा दिया और 25 जुलाई सन 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। सन 2013 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश को भी लागू किया, जो यौन अपराधों से संबंधित कानूनी भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था प्रणब मुखर्जी साहब के। कुछ इनकी पुस्तक भी रही हैं, उन्हें भी देख लीजिए। प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखित कुछ पुस्तक भी हैं, इनमें आपकी प्रणब मुखर्जी जी एक राजनेता और भारत के राष्ट्रपति होने के साथ एक प्रसिद्ध लेखक भी रहे हैं। उन्होंने सन 1969 में मिड टर्म पोल और सन 1984 में बियॉन्ड सर्वाइवल इमर्जिंग डायमेंशंस मेसंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सन 1987 में ऑफ द ट्रैक, सन 1992 में सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस और चैलेंजेज बिफोर द नेशंस, और सन 2014 में द ड्रामेटिक डिकेड द डेज ऑफ गांधी इंदिरा गांधी ईयर्स, ये सभी इन्हीं की पुस्तकें हैं। ठीक है, उपलब्धियों की अगर हम लोग बात करें, इन्हें जो पुरस्कार मिले हैं तो प्रणब मुखर्जी को साल 2019 में गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत रत्न से भी दिया गया इन्हें। इनके द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो भारत रत्न तो इन्हें दिया ही गया है। इसके अलावा प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न मिलने से पहले सन 2008 में पद्म श्री भी मिला है। प्रणब मुखर्जी विदेश में भी सम्मान किया गया है। सन 2013 में बांग्लादेश की ओर से बांग्लादेश के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑनर सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2016 में आइवरी कोस्ट की ओर से ग्रैंड कोस्ट क्रॉस ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ द आइवरी कोस्ट से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद यूरो मनई पत्रिका के सर्वे के अनुसार सन 1984 में मुखर्जी को विश्व के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री से भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद 1997 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में भी पुरस्कार मिल चुका है। सन 2010 में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए दैनिक समाचार पत्र इमर्जिंग मार्केट्स द्वारा इन्हें एशिया के लिए वित्त मंत्री के रूप में भी नामित किया गया था 2010 में। 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ बोलवर हैप्टन ने उन्हें ऑफ डॉक्टर ऑफ लेटर्स डिग्री से भी सम्मानित किया है। मार्च 2012 में विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और असम विश्वविद्यालय ने उन्हें आनररी
डी लिट पुरस्कार से भी नवाजा है। मार्च 2013 में ढाका विश्वविद्यालय में मुखर्जी जी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद जिल्लुर रहमान डीयू चांसलर द्वारा कानून की डॉक्टरेट उपाधि भी प्राप्त की है। मार्च 2013 में ही मॉरिशस विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर टॉप सिविल लॉ ऑनोरिस कोसा के लिए भी शुभकामनाएं दी और 2019 में आपका भारत रत्न दिया भी गया है। कुछ प्रणव मुखर्जी साहब के बारे में कुछ आपकी रोचक जानकारियां भी हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट। जब प्रणव मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके पास कुछ दया याचिकाएं आई हुई थी, जिनमें से आपकी इन्होंने जो 7 दया याचिकाएं थी उन्हें रद्द कर दिया था। इन दया याचिकाओं में कसाब जैसे आतंकवादी की याचिका भी शामिल थी। पूर्व कम्युनिस्ट लीडर सोमनाथ चटर्जी ने मुखर्जी जी को सर्वश्रेष्ठ सांसदों और भारत के स्टेट्समैन में से एक के रूप में नामित किया। यह कहा कि देश को सबसे टॉप जॉब के लिए सबसे सक्षम व्यक्ति मिला है। राष्ट्रपति के दौरान प्रणव मुखर्जी साहब जिन्हें 7,13,763 वोट्स के साथ जीत हासिल की थी और उनके जो विरोधी थे संगमा साहब, इन्हें आपके 3,15,987 वोट्स मिले थे। इस जीत के साथ वे पहले बंगाली थे जिन्होंने इस प्रतिष्ठित पद को धारण कर अपने नाम किया था। वे अपने जीवन के बारे में 40 वर्षों से एक डायरी लिख रहे हैं जिसे उनके मरने के बाद प्रकाशित किया जाएगा। एक बात और याद रखिए, आपको बताना है कि पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे, एकमात्र सिख प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं, उनके बारे में नीचे बताइए। सन 1986 में मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक अन्य पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी RSP स्थापित की थी जो कि बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गई थी। तो प्रणव मुखर्जी जी भारत के देश के एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिनके द्वारा किए गए कार्यों को लोग हमेशा याद रखेंगे। प्रणव मुखर्जी द्वारा किए गए कार्य के चलते ही उन्हें सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो ये कहानी थी आपके डॉक्टर प्रणव मुखर्जी साहब की, फिर राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी साहब की, ठीक है।